हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। मैं हूं अनुमिया और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों, ये भारत में सारे शिक्षा के इतिहास का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन में मैंने वेद काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा काल, राजपूत काल, मुस्लिम काल के बारे में फुल डिटेल में बात कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्रिटिश काल में भारत में सारी शिक्षा के इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी संस्थाएँ शुरू हुई। तो दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही क्वेश्चन, वही चीज ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप न कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो ब्रिटिश काल का टाइम था 1750 से 1945 ईस्वी। उस समय क्या था, अंग्रेज लोग जब आए थे 1870 का काल जब था, तो शिक्षा की पूरी शक्तियाँ जो थी, पर्यवेक्षण की जो शक्तियाँ थी, वो केंद्र सरकार के पास थी। किसके पास थी, केंद्र सरकार के पास। उस समय जो होता था, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं था। और 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिए कि भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी। तो 1882 में, वेरी इंपॉर्टेंट है 1882 में। और गैर सरकारी संस्थाओं में, उस समय गैर सरकारी संस्थाओं के रूप में यानी निजी संस्थाओं के रूप में शारीरिक शिक्षा के बहुत से क्षेत्र से जैसे जिमनेजियम हो गया, व्यायामशाला हो गया, अखाड़ा, क्रीड़ा मंडल और विभिन्न खेल क्रीड़ाएँ तो बहुत लोकप्रिय हुए उस काल में। यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट है कि डुरंड कप की शुरुआत इसी समय किया गया। कब, 1888 ईस्वी में। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। फुटबॉल प्रतियोगिता है एक डुरंड कप। तो फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप की शुरुआत कब हुई, तो 1888 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो भी इसमें बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1914 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, अमरावती महाराष्ट्र में। और किसने किया था, दो वैद्य भाइयों ने। क्या नाम था उनका, अंबादास कृष्ण वैद्य तथा अनंत कृष्ण वैद्य। ये दोनों भाइयों ने मिलकर 1914 ईस्वी में अमरावती महाराष्ट्र में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किए थे। इस हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का मुख्य उद्देश्य था भारत में जो देसी शारीरिक शिक्षा है उसका विकास करना। भारत में देसी शारीरिक शिक्षा का विकास करना इसका उद्देश्य था। और इसी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र शुरू किया गया। कब, 1924 ईस्वी में। व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र कब शुरू किया गया, 1924 ईस्वी में। और इसमें व्यायाम विशारद प्रमाण पत्र कब दिया जाता था कि SBPM द्वारा यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स पुरुषों और महिलाओं के लिए आरंभ किया गया था। और जिसको 5 सप्ताह का कोर्स पूरा करने के बाद उनको व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था। तो कब से दिया जाता था, 1924 से। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, फिर यूरोप तथा मध्य पूर्व में भारतीय व्यायाम के कई प्रदर्शन किए गए। इसके बाद यूरोप में, मध्य पूर्व में, जिसमें 1936 ईस्वी बर्लिन ओलंपिक में सारी गतिविधियों और मलखम का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में ओलंपिक में सारी गतिविधियों का मलखम का प्रदर्शन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमेशा पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने किस ओलंपिक में सारी गतिविधियों का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे आंसर होगा 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ठीक, और 1949 ईस्वी में दूसरे लिंगयार्ड खेलों में व्यायाम का प्रदर्शन किया गया, जिसका आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने किस लिंग यार्ड में अपना प्रदर्शन किया था। तो यहाँ द्वितीय लिंग यार्ड में 1949 ईस्वी में अपना प्रदर्शन किया था।
तो दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA। YMCA की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में मद्रास में। और किसने किया था? अमेरिका से आए विशेषज्ञ HC Beck यानी हैरी क्रो बक द्वारा किया गया। ये भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं। तो यहाँ पे तो दो क्वेश्चन बनता है कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऐसे भी पूछ सकता है या YMCA ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इस तरह से भी पूछता है कि YMCA की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। फिर किसने किया था? HC Beck ने किया था यानी हैरी क्रो बक ने। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। इसका गठन जो है 1927 में सर दोराबजी टाटा द्वारा हुआ था। कब हुआ था भारतीय ओलंपिक संघ का गठन? 1927 में। किसने किया था? सर दोराबजी टाटा ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी यही थे सर दोराबजी टाटा। पहला स्वर्ण पदक भारतीय ओलंपिक संघ ने कब जीता था? 1928 में एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में। भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह की कप्तानी में फाइनल में हॉलैंड को 3-1 से हराया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन चार क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि YMCA की स्थापना कब हुआ था? 1920 में मद्रास में। किसने किया था? HC Beck ने। HC Beck को भारत में सारे शिक्षा के पितामह भी कहा जाता है। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में। किसने किया था? तो सर दोराबजी टाटा द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा। पहला स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया गया था? तो 1928 में एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक भारत में हॉकी टीम ने भारत की हॉकी टीम ने जयपाल सिंह की कप्तानी में फाइनल में हॉलैंड को 3-1 से हराकर पाया था। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1932 में हुआ और अमेरिका के विशेषज्ञ श्री EW Tade के निर्देशन में। नेक्स्ट है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में स्कॉटलैंड के विशेषज्ञ जेम्स बूसमैन के निर्देशन में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक कॉलेज कांदिवली मुंबई की स्थापना कब हुई? तो 1938 ईस्वी में। तो कब हुई? 1938 ईस्वी में कांदिवली मुंबई की स्थापना। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर की स्थापना 1940 ईस्वी में श्री हेम के निर्देशन में। तो इसमें जो है 8, 9, 10, 11, 12 चारों के चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में जो भी चीज़ बताया गया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों ये था आज हमारे भारत में सारे शिक्षा के इतिहास में ब्रिटिश काल में कौन कौन सी संस्था सारे शिक्षा के विकास में सहायक हुई और कहाँ तक सफल हुई, कब स्थापना हुआ, ये सब बात हुई जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में आएगा स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा का इतिहास, जिसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, केंद्रीय परामर्श बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी सेंटर यानी और अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, वाका ट्रॉफी, इन सब के बारे में एडहॉक इंक्वायरी कमेटी, राष्ट्रीय कैडेट कोर, कोल कपूर समिति, इन सब के बारे में डिटेल में पार्ट 3 में बात होगा। तो नेक्स्ट वीडियो
भी देखना ना भूलिएगा। तो ये है हमारा पार्ट टू वीडियो, तो यहीं पे स्टॉप होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।